बेटा ये कन्या के सुखी के लिए मुंडन संस्कार पूरे के लिए बोलिए हे भगवान सरजू माता गौ माता। गाइस हम लोग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं अयोध्या, गाड़ी आ चुकी है, रेडी है, और भैया हमारे जाएंगे पटना, तो जा रहे हैं उसे मिलने। तो भैया से मिल लिए छत पे, भैया खाना खा रहे थे तो इसलिए गए थे हम लोग छत पे मिलने के लिए, क्योंकि भैया कट 12 बजे की ट्रेन है और अभी टाइम जो है अभी करीब 10:15 बज रहा है। तो हम लोगों को अयोध्या जाना है, तो सब लोग जा रहे हैं, बस भैया ही घर पे रहेंगे। उसका भी रीज़न है क्योंकि भैया को जाना है पटना, 12 बजे की ट्रेन है, इसलिए वो नहीं आ रहे हमारे साथ, नहीं तो ज़रूर आते हम लोगों के साथ। चलो गाइस रेडी हो गए हैं, बस देखो गाड़ी भी लग गई है आगे मेरे, अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं एक भी रेडी है, सबको समझ रही एंट्री वाला। मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते का तो वीडियो नहीं बना। चला ठीक है, चल रही है हमारे साथ। तो बस यहाँ पे गाड़ी लगी है, सब लोग बैठ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे तो आगे ही हो गए हैं, और अंकित महक और तनु जो है पीछे बैठ गए हैं, और अभी तो मेरी अभी दो दीदी बाकी है, मेरी ननद, रास्ते में उनको पिकअप करेंगे। बाय मामा जी, बाय। 11 बजे फोन कर लेना आपका, फोन कर लेना। इस बस हम लोग अब निकल चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और देखो सब कैसे एडजस्ट करके बैठे हैं। अभी दो लेडीज बाकी है, मेरी ननद है, और यहाँ तन्नू, और उसको देखो कोचम कोची कोचम कोची। दीदी मस्त अपना जगह बना ली है दीदी तो। और ये मेरी बड़ी वाली ननद का घर, तो बस रास्ते भी उनका घर पड़ता है, तो हम लोग उनको यहाँ पे पिकअप कर लेंगे। तो दीदी बस आ रही हैं, ये जो ब्लैक कलर का जैकेट पहने हैं दीदी के देवर हैं, और जो लड़का है छोटा सा इनका ही लड़का है दीदी के देवर का। तो बस दीदी आ गई हैं, अब गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग निकले। गाइस पहुंच गए हम लोग अयोध्या नगरी, बहुत थक गए बैठे बैठे एकदम से, ना कमर अकड़ गया। यहाँ पे दीदी अपनी बातें कर रही थी कि मॉर्निंग से उठने के बाद उन्होंने कैसे क्या क्या किया, उन्होंने आज छुट्टी ले रखा था, वो स्कूल में पढ़ाती है, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मॉर्निंग से उठने के बाद उनका कैसा रहा आज का, किस तरीके से जल्दी जल्दी काम निपटा के, वही सब बता रही थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं वीडियो ले रही, तो इसलिए वो हंसने लगी। क्या नगरी है, सही में घूमने का मन कर रहा है। तन्नू ने अपने हाथों से मिट्टी के 108 शिवलिंग बनाए थे जब उस उम्र करती थी तब, और यहाँ पे आज लाली की सच्ची करनी। लोकेशन भी ले लो, फोटो लेना क्या लेना बोलो तन्नू को, लेकिन आप फोटो लेंगे सबका ले लो सबका।
हटा के इस पर जितना हम लोग डर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें लगा बेटी बहुत रोएगी बहुत रोएगी, क्योंकि बेटे के टाइम ऐसा ही हुआ था। मेरा बेटा बहुत रोया था, उसके सिर में भी दो तीन जगह चाकू भी लग गए थे क्योंकि वो करवा नहीं रहा था। तो हमें लगा ये भी बहुत ज़िद्दी है, उछलती कूदती बहुत ज़्यादा है, करवाएगी कि नहीं, बहुत डर रहे थे हम तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो हंसते हंसते बाल को छिलवा रही है। तो सब लोग को दंग रह गए देखते हुए कि जरा भी रोई नहीं, चू तक नहीं की। तो इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छे तरीके से इसने करवा लिया। ले इतना मौसम जी का जय सीताराम बाबू, जय हो साधु मैया, दिमाग में स्वाहा भगवान नारायण बोल रहे हैं। एका एका अजन में है राम मेरा घोरैया, अंकिता ने आशीर्वाद ले लो इनके। साधु मैया के छाया हर मनोकामना पूर्ण को विद्या महारानी विराजमान हो, मन के डेम डेम बने साधु मैया, सदा सुख रहे लक्ष्मी जानी रहे। अजन में है राम रघुरैया, यावधपुर बाजे बढ़ैया, अजन में है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बढ़ैया, धन है अवधपुर धन राजा दशरथ, धन है कौशल्या मैया, अवधपुर बाजे तो मेरी बेटी का मुंडन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और हमने ना अपने बेटे का भी मुंडन हम करवा दे रहे हैं, मतलब उसका ये मुंडन ही पहला नहीं है, कई बार हो चुका है। हमने कहा चलो बेटी का हो तो इसका भी उतरवा देते हैं। ऐसे मेरे बेटे का मुंडन तो जब ये एक साल का भी नहीं हुआ था तब करवाया था हमने, और आज इसी घाट पर दूसरी बार भी उसका हम बाल उतरवा दे रहे हैं। और नेक जो देने वाली लेने वाली जो आती हैं उनको फादरे छक्के उनको दे दिया जाता है। ये जो खड़ी है सामने दिख रही है तो यही नेक वगैरह इनको दे रहे हैं, और दीदी लोग को भी नेक दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों दीदी को भी ये नेक दे रहे हैं, और नेक आंचल में दे रहे हैं क्योंकि दोनों दीदी ने आंचल में ही बाल को लोका है। जो बेटी का जो बाल था मुंडन का वो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, हाँ आंचल में ही लेते हैं और आंचल में ही नेक भी देते हैं, तो इसीलिए वो आंचल में ही नेक दे रहे हैं। अब जा रही हैं दोनों दीदी मिलकर बेटी को नहलाने। और यहाँ पे दोनों दीदी मिलके बेटी का उबार के वो पैसा दे रही है बाल छीलने वाले को। मेरी दीदी तो पहले ही दे दी थी जब मैं उसको गोद में लेके बाल छिलवा रही थी उसी टाइम, और ये दोनों दीदी अभी दे रही हैं।
तो दोनों दीदी जो बाल अपने आंचल में जो लोकी थी बेटी का मेरे, तो वो बाल जा रही हैं विसर्जन करने, नदी में डालने, सरजू नदी में, क्योंकि ये बुआ का ही नेक होता है और बुआ का ही हक होता है करने का। तो अंदर तक जा रही, पानी देख के तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हूँ, मैं बस साइड में ही रहती हूँ, मुझे डर लगता है पानी से, बचपन से ही मुझे पानी देख के मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। तो बस वो बाल जो है विसर्जन कर दे रही हैं, उसके बाद फिर बेटी को नहलाएंगी। तो यहाँ पे मेरे बेटे का बाल भी छिलाया जा रहा है, दीदी लेके बैठी है। और ये मेरा बेटा इतना शैतान है, बेटी तो नहीं रोई, अब बेटा पी 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 करके रो रहा था, और मैं आई हूँ अपनी बेटी को ले जाने नहलाने के लिए, दीदी नहलाने के लिए उसे मांग रही है। तो अब यहाँ पे बेटी मेरी बहुत रोएगी, बहुत रोई थी, बहुत रोई थी वो। वैसे तो नदी में हम लोग भी नहाते, क्योंकि किट्टू के समय हम लोग नहा कर नहीं आए थे घर से घाट पे, और किट्टू के समय गर्मी का मौसम था, और अभी क्या ठंड का मौसम है, यहाँ ठंड बहुत होती है। उस हिसाब से हम लोगों ने ऐसा प्लान ही किया था कि घर से ही नहा के निकलेंगे, यहाँ बहुत ठंड लगेगी। और बच्चे का रही बात मुंडन का, नहलाने का, तो उसका मुंडन हुआ तो उसे जरूरी था नहलाना। और मेरी दीदी भी यहाँ पे देखो डुबकी लगा रही है, वो कपड़े वगैरह लेके आई है, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगी तो नहाऊँगी, पर हम लोग तो हाथ वगैरह हाथ मुँह धो लिए, ऐसे ही छिड़क लिए यहाँ का पानी, नहीं तो सब लोग सब नहाते। एक बेटा एक कन्या के छुट्टी के लिए मुंडन संस्कार पूरे के लिए बोलिए, हे भगवान सरजू माता, गौ माता, दोनों कन्या पुत्र के कन्या के सुखी के लिए मुंडन फल में पांचों देवता नगरी में पांचों भोजन 11 भोजन बोल दे, भोजन में एक से एक लगता जैसा आपका इच्छा हो। आज मुंडन हुआ है, 9 महीना गर्भ का बाद उतरा है, जैसा आपका भाग हो, कहो 11 भोग कराए जी, कहो पाँचों कराई, कहो राम सीता दुई कराए जी, जैसा आपकी इच्छा हो। बोलिए हे भगवान राम सीता दुई भोग मुंडन यज्ञ खुशी से संपूर्ण 201 में धर्म किया माथुवाल्यो रहता था मस्तक उबाल लीजिए पहले, तब गौ को ऊपर छोड़ दीजिए, ये आप भी उबाल लीजिए उनका कन्या का, ये गौ माता को ऊपर छोड़ जाइए, यहाँ भगवान रक्षा करें और महारानी कन्या का सुखी रखें। हाँ ये आप पति का चरण छू लीजिए जी, और क्या तीर्थ का मर्यादा यही है, पति का चरण छू लीजिए आप भी। ये बेटा किसका, इसको लगवा दे, इसका मुंडन हुआ है। तो बस बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, और जो भी पंडित जी ने कहा हम लोगों ने वैसा किया भी, तो बस पूजा हो गई समाप्त। ये देखो, ये देखो राम, ये बताइए, ये देखो इनका सही लगा, इनका भी हो गया, हमारा भी हो गया, मेरा बना लो राम नाम, नहीं ये देखो साहब के माथे पे राम 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 राम, दीदी का तो लकीर ही नहीं पता, देखिए हमें कैसे लगा दिया, तनु पापा नहीं आया ना इसलिए। ये छोटी मौसी इसके भी है ना, छोटी मौसी अभी लड्डू गोपाल को नहलाना है। अरे हाँ आजा बिटिया आजा, ए छोटू लड्डू आजा खड़े जा, ए लड्डू गोपाल को निकालो नहलाओ, देखो लड्डू गोपाल को दिखा नहलाया नहीं लड्डू, हां हाय करो हाय करो, तो यहाँ पे हम दोनों तन्नु और मैं लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, उन्हें भी यहाँ का सरजू घाट में डुबकी लगा दें।
तो हम लोग अब जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने। मुंडन का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हो गया और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखना।